नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले के ग्राम पंचायत मोरकुका में, यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है सुनील त्यागी जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सड़क परिवहन व्यवस्था, बिजली पानी और क्या जी, काली नदी का पानी की वजह से जो दिक्कत आ रही, कैंसर के मरीज हो रहे हैं गाँव में। इसमें पानी छूट जाए खतौली नहर से तो जो साफ हो जाए पानी, आसपास के गांव भी ठीक हो जाए, बस यही है जी। और क्या, जो पंचायत में आपके गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या? उनके लिए तो हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, 24 घंटे हम तैयार हैं जी। अच्छा, पंचायत में अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है आपका, उसकी व्यवस्था भी खराब है, तो उस बारे में आपकी क्या कोशिश? उसकी व्यवस्था जी, हमने शिकायत करी थी कि यहाँ डॉक्टर नहीं, शासन ने हमें कहा कि यहाँ अभी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, जब डॉक्टर आ जाएगा, स्टाफ आ जाएगा तो डॉक्टर मिल जाएगा आपको, तो उसके लिए कोशिश रहेंगे आप? कोशिश जारी है जी। हाँ, अच्छा, ये बिल्कुल एक तरह से मेन सड़क से बहुत इंटीरियर का काम होगा, अंदर की तरफ होगा, तो यातायात के साधनों का भी? हाँ, सबसे पहला काम हमारा परिवहन व्यवस्था का ही है जी, वो हमने चालू भी करवाई थी, तो पुलिया टूटने की वजह से मारकपुर में बंद हो गई थी बस, अब फिर दोबारा पुलिया बनवाई तो बाकी फिर प्रयास करेंगे। पंचायत में भी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है आपकी? टंकी के शासन से टंकी के वो हैं, पर यहाँ जगह का वो नहीं हुआ जी, तो उसमें जगह दे दे प्रधान तो टंकी लग जा, तो आपकी कोशिश रहेंगे? हाँ जी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस सबके साथ हैं जी, तैयार है, कोई ये नहीं है कि भाई चुनाव लड़ने की वजह से हैं, वैसे भी तैयार हैं वैसे भी। और नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले के गांव पंचायत मोरकुक्का में, यहां मौजूदा प्रधान हैं चंद्रशेखर त्यागी प्रिंस जी, उनके पिताजी महेश त्यागी जी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे अपने कार्यकाल में पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं। महेश जी, आप क्या क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए हैं अपने कार्यकाल में? सबसे पहले हमारे कार्यकाल में एक तो स्कूल बना जी, और लोहिया में हमारा गाँव आया, उसके बाद नवाजी इसने 10 लाख रुपए की हमारे यहाँ सड़कें बनवाई, 2 लाख रुपए के हमारे बाउंड्री करवाई क्रीडा स्थल की जी, और 20 लाख रुपए का काम जिला पंचायत ने करवाया हमारे यहाँ, 5 लाख का जिला पंचायत ने एक कराया जी, और ये 3 मकान जो है गरीबों के जो बने हैं यहाँ से आवास योजना से और पेंशन तो कुछ पहले चल रही थी, कुछ जो और जो अब इस रेंज में आए कुछ अब पेंशन बनी, लगभग 1 करोड़ के लगभग का काम हमारी योजना के अंतर्गत इसमें काम गांव में होगा। अच्छा, अभी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रही आपके कार्यकाल में जिनका आप चाहते हुए भी समाधान नहीं करा? चकबंदी हमारी सबसे बड़ी समस्या रही, चकबंदी पूरा प्रयास करने के बाद भी, आदेश होने के बाद भी, वहाँ से गजट पास होने के बाद भी 2 साल पहले आदेश आ लिया और आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये काम और हुआ है कि हमारा जो है और परेशानी और बढ़ गई कि हमें पहले तहसील से फर्द मिल जाया करती थी, अब जब हम पटवारी के पीछे भागना पड़ता है, हम सबसे बड़ी परेशानी हमारे गाँव वालों को सबसे बड़ी परेशानी का सामना चकबंदी में करना पड़ रहा है। चकबंदी में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी चकबंदी में कार्रवाई शुरू हो जाए। काली नदी गुजरती है, इसमें इतनी बदबू आती है, जब परवा हवा चलती है, गांव जो है पश्चिम की साइड में नदी से, जब परवा हवा चले तो बदबू आती है बहुत ज़्यादा, अब बरसात की मौसम है चूँकि अब बारिश का पानी आ रहा तो बदबू जो है कम होगी, और जब ये बरसात नहीं होती तो बहुत बदबू आती है। अच्छा, मोरकुका सड़क से, मेन सड़क से हटकर, मेन सड़क से ये करीब हर कस्बे से 10 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ यातायात का साधन कोई नहीं है, आज तक कोई साधन नहीं हुआ, कुछ दिन पहले बस चली थी, वे भी बंद होगी चलनी। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से मांग है तो यातायात का साधन हमारा जो है आने जाने की वो हो जाए व्यवस्था, बस चलने लगे और हमारी चकबंदी हो जाए, ये मांग है, बस ये हमारी मांग है। पानी की व्यवस्था सही हो जाए, नदी का पानी जो है बदबू बंद हो जाए।